भाई जी कैसी रही रात? फिर रात को नींद अच्छी आ गई मुझे तो, थके हुए थे, बहुत बढ़िया नींद आ गई। नहीं आ गया वाकई में रात को तो। जय शंकर महाराज। जय शंकर महाराज। चाय बन रही है, ये बन रही है हम लोगों की माइक्रोनी और पैकिंग भी हो चुकी है ऑलमोस्ट। आज हमारा डे टू है यहाँ पे और अब हम लोग जा रहे हैं सीमा ताज के लिए। सारा सामान पैक हो चुका है, पीछे देख सकते हो आप मेरे, तो बस अब चलते हैं ऊपर के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी ऊपर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। रास्ते में पूरा जम चुका है, वो काफी स्लीपी हो रहा है। काफी डिफिकल्टी हो रही है, देख सकते हो आप लोग, बड़ी मुश्किल से अब नीचे आ पाया। फाइनली ये घोड़ा पार निकल गया अभी, काफी मेहनत मशक्कत के बाद, और अब हम लोग चलना शुरू कर सकते हैं आगे के लिए। और हमारी टीम तो जा चुकी है अभी आगे, भरत और मैं बचे हैं बस यहाँ पे, तो अभी चलते हैं हम लोग भी, अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो चलते हैं आगे। ओम नमः शिवाय। वहाँ पार, वहाँ पे पानी जम चुका है, वो पूरा पाला पड़ा उसके ऊपर, तो कचरों को ले जाने में फिर से दिक्कत होगी। अभी देखते हैं कैसे कैसे करते हैं फिर यहाँ से। अभी देखते हैं आगे। बादल आसानी से निकल गया हमारा, तो पीछे वाला भी यहाँ पर रिस्क उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। ऑल आई आई घोड़ा, ये तो आसानी से निकल गया, निकल गया बादल से पहले। तो बताओ, सही लग रहा है? काफी स्नो है, मजा आ रहा है, देखते आगे। तो पंकज दादा कैसे जा रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नोफॉल भी काफी अच्छा हो रखा है और काफी टाइम बाद ये स्नो दिख रहा है, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, खासकर हमारे बड़े भाई बिचिन भाई बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फुल्ली हाँ। फुल्ली मोमेंट है। इनके फेस में आप ना एक्साइटमेंट देख सकते हैं। मैं तो जब जैसे कंडोला थाट पहुंचे हम लोग, मैं तो फील तब से नेचर को फील कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे दो मेंबर और हैं, ये भी नेचर को फील कर रहे हैं, फुल्ली दिखा नहीं रहे, एक्साइटमेंट दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन है अंदर से पूरा। डोंट अंडरएस्टिमेट पावर ऑफ गर्ल। तो चलते अभी, चलो देख सकते हो आप, काफी खूबसूरत फॉरेस्ट है। भाई जी कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों आप, हम लोगों को बर्फ में चलने में बहुत मजा आया। देख सकते हो आप, काफी हैवी स्नोफॉल हो रहा है और खच्चरों को लाने में काफी दिक्कत हो रही है। आ जाओ भाई जी। और हम लोग अभी ऊपर ही जा रहे हैं, हिमालय की पहली झलक, ये आपका बंदर पूंछ रेंज पूरा, ये देख सकते हो आप लोग, काफी खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। फाइनली काफी देर चलने के बाद हम लोग अभी सीमा ताज पहुंच चुके हैं, और ये आप लोग लोकेशन देख सकते हो, पूरा स्नो कवर्ड, पूरा का पूरा, और काफी हैवी स्नो है यहाँ पे, लगभग 2-3 फीट तक होगी। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सारी थकावट खत्म हो चुकी है यहाँ पे आके तो। और सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही है वो सामने बंदर पूंछ रेंज को देख के हो रही है। ओम नमः शिवाय। मन तो कर रहा है कि यहीं से अभी कूद के पार चला जाऊँ, बट अभी ये पॉसिबल नहीं है, इसमें अभी थोड़ा टाइम है। तो अभी ऊपर चलते हैं अपना बेस कैंप में, देखते हैं वहाँ पे टेंट वेंट लगाते हैं, फिर देखते हैं आगे का सीन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। किचन टेंट भी लग चुका है अभी ऑलमोस्ट, और हमारे बाकी टीम मेंबर अभी तो आए नहीं है, तो हम बाकी सेटअप करते हैं अभी यहाँ पे, देखते हैं फिर क्या सीन रहता है। और काफी खूबसूरत व्यू। फाइनली हम टॉप पे अभी और फुल फील, और हमारे बिजन भाई भी आ गए अभी। हरिओम शंकर भाई जी। तो दोस्तों अभी लियर अप करते हैं अपना, देखते हैं
फाइनली छह से क्लियर अप हो चुका हूँ और टेम्परेचर अप डाउन होने लगा है। ये हमारी बाकी टीम ऑन द वे, पंकज दादा, हमारे भरत भाई, हमारे भाई जी बिजन भाई जी। दोस्तों सनसेट हो चुका है और देख सकते हो आप लोग बंदरपूछ काफी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये पूरा व्यू है यहाँ पे और मैं इस व्यू को देखने के लिए नंगे पैर बाहर आ रखा हूँ अभी। और ये पूरी लोकेशन है यहाँ पे, अभी हम लोगों की खाना बनाने की तैयारी और यहाँ पे स्मृति जी पूरा कुकिंग सेटअप कुकिंग सेटअप संभाल लिया इन्होंने यहाँ पे। और यहाँ हमारे हाई एल्टीट्यूड सेफ लहसुन और काटू, इतने हो जाए बस, बहुत मैंने ऐसे दो।